ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मल्टीपल प्राइस लिस्ट बनाना। पिछले अध्याय में हमने सामान्य प्राइस लिस्ट बनाना सीखी, जिसमें कि सभी तरह के ग्राहकों के लिए हमने किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स तय किए थे। अब मान लीजिए हमेशा हमारे ग्राहक हमसे जितना माल खरीदते हैं उसके आधार पर हमने ग्राहकों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। जैसे जो बहुत ही सीमित मात्रा में माल खरीदते हैं वो रिटेलर्स, जो उससे ज़्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं वो सेमी होलसेलर्स, और जो सबसे अधिक मात्रा में माल खरीदते हैं उन्हें होलसेलर्स की श्रेणी में हमने बांटा है। अब इन तीनों कैटेगरीज के ग्राहकों के लिए हमको अलग अलग प्राइस लिस्ट बनानी है। तो ये अलग अलग प्राइस लिस्ट किस तरह से बनेगी, आइए अब हम वो देखते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है सुपरमार्केट। और इस कंपनी में हमने कस्टमर्स के, सप्लायर्स के, परचेस और सेल्स के खाते बना लिए हैं। अब हमको बनानी है प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको, जैसा हमने आपको पहले बताया था, ऑप्शन चालू करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे फीचर्स पर, F11 की हम प्रेस करेंगे। यहाँ से हमको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स पर, इसके लिए F2 की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमको अगर कभी डिस्काउंट भी देना है तो उसके लिए सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस वाला ऑप्शन चालू कर लेंगे, और सेल्स मैनेजमेंट में यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स इस ऑप्शन को चालू कर लेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। अब यहाँ पर ये कंपनी प्राइस लेवल्स आ गया है। पहले हमने यहाँ पर केवल प्राइस लिस्ट लिया था, पर अब हम 3 अलग अलग जो हमारे लेवल्स हैं वो हम यहाँ पर ले लेंगे। पहला है रिटेलर्स, दूसरा है सेमी होलसेलर्स, और तीसरा है होलसेलर्स। एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से अगर और कोई कैटेगरीज भी हों तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्राइस लेवल्स आप बना सकते हैं। अब एंटर प्रेस करके हम वापस इन्वेंट्री फीचर्स पर आ जाएंगे, और इसको अब एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। ये प्राइस लिस्ट का ऑप्शन जो है वो हमारा चालू हो गया है। अब एस्केप की दबाते हुए बाहर आएंगे। अब प्राइस लिस्ट हमको बनानी है तो सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर। अब इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ देखिए कि चूंकि हमने फीचर्स में ऑप्शन चालू किया था इसलिए प्राइस लिस्ट ऑप्शन तो हमको यहाँ दिख रहा है, पर जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि अगर स्टॉक आइटम्स के खाते नहीं बने होंगे तो ये ऑप्शन होने के बावजूद चालू नहीं होगा। ये धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हम अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले हमको बनाने होंगे स्टॉक आइटम्स के खाते, और ये स्टॉक आइटम्स के खाते हम अलग अलग स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत बनाएंगे। इसलिए पहले हम स्टॉक ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उसके अंदर खाते बनाएंगे स्टॉक आइटम्स के। इसके लिए हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप्स पर, और चूँकि हमको ज़्यादा खाते बनाने हैं इसलिए हम मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स चुन लेंगे। इसमें ले लेंगे क्रिएट। अंडर ग्रुप में हम ग्रुप चुन लेंगे ऑल आइटम्स। तो पहला स्टॉक ग्रुप हम ले रहे हैं ग्रॉसरीज। अब यहाँ पर ये आएगा अंडर प्राइमरी ग्रुप। एंटर प्रेस करेंगे। अगला स्टॉक ग्रुप हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ये भी प्राइमरी ग्रुप के तहत आएगा। इस तरह से और जितने भी स्टॉक ग्रुप्स आपको बनाने हैं वो यहाँ पर आप बना लें और फिर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लें। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्केप की दबाते हुए। ये हम आ गए इन्वेंट्री इन्फो पर। अब हमको स्टॉक आइटम्स के खाते बनाने हैं तो स्टॉक आइटम्स हम चुन लेंगे। ये खाते भी हमको ज़्यादा बनाने हैं तो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स पर हम क्रिएट चुनेंगे। अंडर ग्रुप में हम ले लेंगे ऑल आइटम्स। पहला आइटम है हमारा राइस, और ये अब आएगा ग्रॉसरीज के तहत। अब यूनिट्स में ये हमने यूनिट्स बना के रखी हैं तो राइस के लिए यूनिट आ जाएगी केजी। एंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे। राइस की तरह ही और जो दूसरे आइटम्स हैं वो भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्टॉक आइटम्स के खाते बना लिए हैं, तो खाते बनते ही ये प्राइस लिस्ट का जो ऑप्शन है वो चालू हो गया है। अब प्राइस लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे प्राइस लिस्ट पर। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ जाती है। अब इसमें जिस भी स्टॉक ग्रुप के आइटम्स
आपको लेना है, जिनकी प्राइस लिस्ट बनानी है, वो ग्रुप आप चुन सकते हैं। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल आइटम्स ग्रुप चुना, इसके बाद यहाँ पर है प्राइस लेवल। तीन प्राइस लेवल्स जो हमने बनाए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब जिस भी प्राइस लेवल के लिए आपको प्राइस लिस्ट बनानी है वो आप इसमें से चुन सकते हैं। मान लीजिए हम रिटेलर्स के लिए प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, तो रिटेलर्स हमने चुन लिया। और अब एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से ये प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल होगी, तो हम मान लेते हैं 1 अप्रैल 2013 से ये एप्लीकेबल होगी। ये डेट यहाँ पर हम बनी रहने देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमने चूंकि स्टॉक ग्रुप इलेक्ट्रिकल आइटम्स चुना है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स में केवल उसी ग्रुप के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ से स्किप की दबाते हुए बाहर होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्टॉक ग्रुप नेम में ग्रॉसरीज अगर चुनते, तो ग्रॉसरीज के अंदर जो आइटम्स हैं केवल उनके नाम आते। पर चूंकि ये प्राइस लिस्ट हमको सारे आइटम्स के लिए बना ली है, इसलिए हम स्टॉक ग्रुप में चुनेंगे ऑल आइटम्स। प्राइस लेवल हम रिटेलर्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए रिटेलर्स चुन लेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 है। यहाँ पर चूंकि हम इसे 1 अप्रैल 2013 से अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए ये तारीख रख रहे हैं। आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप जब भी अपनी प्राइस लिस्ट जिस भी तारीख से अप्लाई करना चाह रहे हो वो तारीख यहाँ पर डाल दें। एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑल आइटम्स चुना था, इसलिए लिस्ट ऑफ आइटम्स में सारे आइटम्स की लिस्ट आ गई है, सारे आइटम्स के नाम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम एक एक आइटम का नाम लेकर के उसकी प्राइस लिस्ट बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं मिक्सर। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो कॉलम है कॉस्ट प्राइस, इसमें हमने लास्ट खरीदी जितने में की है यहाँ पर उसका प्राइस आ रहा है। तो हमने पर पीस जो है 1000 रुपीज़ में खरीदी इसकी की है, और अब यहाँ पर उसके हिसाब से हमको अपनी प्राइस लिस्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले मिक्सर के लिए हम पहली रेंज जो ले रहे हैं वो है 0 to less than 10। अगर ग्राहक मिक्सर के 10 पीसेस के अंदर अंदर खरीदेगा तो उसके लिए हम रेट रख रहे हैं 1300 रुपये पर पीस। रिटेलर्स को हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे। अब अगर वो 10 से लेस देन 20 पीसेस लेता है, मतलब 10 से 20 के अंदर अंदर अगर वो खरीदता है मिक्सर, तो यहाँ पर रेट हम उसके लिए लगा रहे हैं 1250 रुपये पर पीस। इसके लिए भी डिस्काउंट नहीं है। और अगर वो 20 या 20 से ज़्यादा पीसेस खरीदता है तो हम उसे 1200 रुपये प्रति पीस के हिसाब से माल बेचेंगे। डिस्काउंट हम यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से हमने मिक्सर के लिए प्राइस लिस्ट तैयार की थी, उसी तरह से हमने बाकी जो हमारे आइटम्स है फैन, राइस, शुगर, उनके लिए भी प्राइस लिस्ट तैयार कर ली है। अब इस पूरी प्राइस लिस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। अब जिस तरह से हमने रिटेलर्स के लिए प्राइस लिस्ट बनाई थी, उसी तरह से अब हमको सेमी होलसेलर्स के लिए प्राइस लिस्ट बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप नेम में तो हमने ऑल आइटम्स चुन लिया है क्योंकि सभी के लिए हम बना रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब प्राइस लेवल में हम चुन लेंगे सेमी होलसेलर्स, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आइटम ले रहे हैं मिक्सर। 20 पीसेस तक अगर ग्राहक हमारा खरीदता है मिक्सर, तो उसके लिए हम रेट रखेंगे 1200 रुपये, और यहाँ पर हम उसको 1% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। 20 पीसेस से 40 तक अगर वो खरीदता है, मतलब 40 के अंदर अंदर अगर वो पीसेस खरीदता है, तो 1200 रुपये ही रेट रहेगा, पर इस बार डिस्काउंट 2% रहेगा। और 40 पीसेस से ऊपर खरीदने पर रेट रहेगा 1200 रुपये ही, पर डिस्काउंट 3% दिया जाएगा। ये मिक्सर के लिए हमने प्राइस लिस्ट तैयार की, और इसी तरह से हमने हमारे जो दूसरे आइटम्स थे उनके लिए भी प्राइस लिस्ट तैयार कर ली है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। जिस तरह से हमने सेमी होलसेलर्स के लिए प्राइस लिस्ट तैयार की, उसी तरह से हम होलसेलर्स के लिए भी प्राइस लिस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये होलसेलर्स के लिए हमने प्राइस लिस्ट तैयार कर ली है। अब स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। टेली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा मल्टीपल प्राइस लिस्ट बनाना।